और वहीं कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नया नेता नियुक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुनने जाने की पूरी जानकारी दी। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते अधीर रंजन चौधरी कई सरकारी कमेटियों और महत्वपूर्ण चयन समितियों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अधीर रंजन पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। यह उनकी पांचवी जीत है। बता दें कि वो 1999 से लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी की प्रचंड लहर के दौरान भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। मंगलवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में अगली कतार में उसी सीट पर बैठे नजर आए जिस पर वे 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठा करते थे। अधीर रंजन की छवि एक जुझारू नेता की रही है। सियासत में अब तक वे ममता बनर्जी को अपना प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते आए हैं।